और फॉर्मल। शिवपुरी में शरेर राह दो ग्रामीणों की मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी नशेड़ी भाई बहन का निकाला जुलूस। शिवपुरी शहर के माधव चौक पर दो ग्रामीणों के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले युवक और युवती की तलाश कर आज कोतवाली पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया है। इतना ही नहीं, पकड़े गए युवक का आज 21 जून जुलूस निकालते हुए पुलिस उसे न्यायालय लेकर पहुंची थी। इस दौरान पकड़ा गया आरोपी नशे में हुई गलती और आगे गलती नहीं होगी यह कहता हुआ न्यायालय की ओर जा रहा था। बता दें कि 16 जून की रात एक युवती और एक पुरुष ने मिलकर माधव चौक पर दो ग्रामीणों के साथ लाठी और लात घूंसों से मारपीट कर दी थी। मारपीट करते वक्त लोग तमाशबीन बने दो लोगों को पीटते हुए देखते रहे। इस मारपीट की सूचना पुलिस को बाद में लगी थी और ना ही पीड़िता ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। माधव चौक पर मारपीट की वीडियो SP अमन सिंह राठौर तक भी पहुंचाया गया था। उनके द्वारा कोतवाली प्रभारी रोहित दुबे को शिकायत न पहुंचने के बावजूद माहौल खराब करने वाले युवक युवती की तलाश कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कोतवाली पुलिस ने पड़ताल कर युवती सहित युवक को तलाश कर पकड़ा। जांच में पता चला कि भारतीय उर्फ फूलन जाटव और सुनील उर्फ टक्के जाटव दोनों भाई बहन और नशे की भी आदि हैं। विगत 4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था, जिसमें माधव चौक जो शहर का मुख्य चौराहा है वहां पर एक युवक की पिटाई एक महिला एवं पुरुष करते दिखाई दी थी। हालांकि थाने पर इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, परंतु चूंकि माधव चौक जो कि शहर का मुख्य चौराहा है, इस तरह की घटना में पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए सूत्रों से पता किया, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों आइडेंटिफाई हुए। आइडेंटिफिकेशन पर पता चला कि जो पुरुष है वह आत्म अपराधी है एवं अपराधी किस्म का है एवं महिला एवं पुरुष दोनों ही नशे के आदि हैं। दोनों पर आज 151 के तहत कार्रवाई की गई। SDM साहब के कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनको जेल भेजा गया है। आप सभी के माध्यम से मेरा आम जनता से भी एक अनुरोध है कि किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की घटना घटित होती है, वह बिना भय के बिना डर के बिल्कुल तत्काल थाने को सूचित करे, थाने पर आए। यदि वह चाहता भी है कि उसका नाम गुप्त रखा जाए तो पुलिस वह भी करेगी एवं बिल्कुल उसके दिए गए आवेदन या उसके साथ घटित हुई घटना के संबंध में तत्समय जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी पुलिस बिल्कुल करेगी एवं करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।